मेरा सवाल है आइडियोलॉजी का, आइडियोलॉजी वहाँ पर नहीं है, आइडियोलॉजी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आइडियोलॉजी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कैडर नहीं है, वहाँ पर कोई सुनता नहीं है, डिक्टेटरशिप है, इसलिए हम वहाँ पर काम नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लोग लगे हुए थे हज़ारों की तादाद में, वो सब घर पर बैठे हुए हैं, मगर हम लोग घर पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारा काम ही रात दिन काम करने का है समाज में, और हम आज से काम नहीं कर रहे। भीम आर्मी तो 2017 में आई है, हम लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं। सभी लोग राहुल नागपाल जी को पूरे देश में सब लोग जानते हैं, अजय भाई पूरे देश में सब जाने जाते हैं, वो अमबीर सिंह जी बैठे हैं पूरा जीवन निकल के वो काम करते हैं, ललिता चौधरी जी है काम कर रही हैं, जहाँ प्रिंस गौतम है, सी पी सुनील है, और जितने भी हमारे साथी हैं जहाँ राजस्थान से साथी हों, उत्तर प्रदेश से साथी हों, बिहार से साथी हों, सब पूरे पुराने काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा मामला है कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर हम काम करेंगे, आदमी से न जुड़े। जो जो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अच्छा काम समाज में कर रहा है, चाहे थोड़ा ही काम कर रहा है, समाज को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए। हमने भी संगठन बनाया, किसी के टांग खींचने के लिए नहीं बनाया। लोग बहुत सारे लोगों की जरूरत है समाज में, समाज बहुत बड़ा है और बीमारी बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर, बहुत सारे इशूज हैं, डेली कहीं ना कहीं एसोसिएट जुड़ रहे हैं। तो सुजीत तो हर जगह जाकर नहीं कर पाएगा, नागपाल जी तो हर जगह नहीं कर पाएंगे, ये अजय भाई तो हर जगह नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह हम नेता तैयार करने की बात कर रहे हैं, हर जगह एक सोशल एक्टिविस्ट तैयार करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो संगठन बैन करेगा लोगों को तैयार करना, लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जहाँ भी जाना चाहे, वो IAS बनना चाहे, PCS बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, वकील बनना चाहे, एक्टिविस्ट बनना चाहे, नेता बनना चाहे, बने ना, वो समाज के लिए काम करे। मेरा सिर्फ युवा जो है हमारे भटक जाते हैं किस संगठन में भरोसा, मेरा सिर्फ एक ही आपके सवाल का एक ही जवाब है कि जो समाज है, समाज किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करे, वो बाबा साहब के जो बाबा साहब का तरीका है काम करने का, बाबा साहब का जो मिशन है, आइडियोलॉजी, उस पर विश्वास करो। क्या है देखो, भीम आर्मी भी एक सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक अगर संगठन है, जब तक सामाजिक संगठन था जब तक हम लोग काम कर रहे थे, देश के हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग काम कर रहे थे। आज वो राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते। राजनीतिक पार्टी क्या है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक मजबूरी होती है, उनको हर आदमी से वोट लेनी पड़ती है। मगर सामाजिक जो इंसान होते हैं वो अपने मुद्दों को, जो सामाजिक मुद्दे, उन पर बेबाकी से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव बैठे हुए हैं अजय कुंडलिया जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई राहुल नागपाल जी, उन्होंने अपनी बात बखूबी रखी है, और सारे मीडिया बंधु जी सबको धन्यवाद, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने जितने भी संगठन देश के अंदर चल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है। आपका काम सराहनीय है और आज भी आप संगठन के बुलावे पर यहाँ पर आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नीली क्रांति 2015 से काम कर रही है और समाज के हर मुद्दे पर काम कर रही थी। जैसे कि राहुल जी ने बताया कि हमने बीच में थोड़ा ब्रेक कर लिया था, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन है बड़ा मिशन है, उसको एक आदमी पूरा करना असंभव है, एक आदमी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं, हमारी इच्छा हमेशा से रही है कि जितने भी देश में लोग काम कर रहे हैं वो इकट्ठे होकर काम करें। अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम जो मकसद है, जो मिशन है, उसको जल्दी हम कामयाब कर पाएंगे, जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे। मगर कुछ कारण है कि वहाँ पर नहीं बात बन पाई है, मगर आज बखूबी हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। और जो हमारा संगठन में जो लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर, फूले की आइडियोलॉजी पर, साहू जी की आइडियोलॉजी पर और काशीराम जी की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। और इसका उद्देश्य ही है कि सोशली जस्टिस होना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सोशल में आज जस्टिस नहीं है, समाज में देखा जाए तो जस्टिस नहीं है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, और खासकर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान भी बहुजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चाहे वो मेरठ की बात कही हो, रिसेंटली अभी देखा आपने दो मर्डर हुए हैं, आपने वहाँ उसकी उत्तर प्रदेश की बात करी हो, गुजरात की बात करें, हिंदी हार्टलैंड जितने भी हैं या और भी हैं, पूरे देश में अत्याचार बहुत जोरों पर है। सरकार नाकामयाब है बहुजनों पर अत्याचार रोकने के लिए, इसलिए एक बहुत ज़रूरी है एक ऐसे संगठन का जो लीगली तौर पर फाइट कर सके। और हम लोग एक पूरे देश के अंदर एक ऐसी लीगल फैटर्निटी तैयार कर रहे हैं कि जो हमारे साथी हैं, जो लीगल जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत पैसा लगता है, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हम एक एडवाइस दे सकें, उनके केस लड़ सकें, जैसे आज तक हम लड़ते आए हैं। एक बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हम काम करेंगे अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। और कई मुद्दों पर काम करना है, एजुकेशन पर हम काम करना चाहते हैं, एजुकेशन पर भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही सक्षम टीम है, सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो बच्चों को कैसे एजुकेटेड किया जाए जिससे कि वो अच्छे अच्छे पदों पर जाकर समाज की बात को रख सकें। आज हो क्या रहा है,
कि सब एक भीड़ चाल चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कलम के माध्यम से आज़ादी दिलाई हम लोगों ने। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई डंडों की लड़ाई नहीं है, तलवार की लड़ाई नहीं है। हाँ, वो हमारे अलग राइट्स हैं, हमारे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग राइट्स हैं वो अलग चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए गए हों और 50 आदमी जेल के अंदर चले जाएं, फिर उनके लिए सड़क उतरिए। तो ये सिस्टम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जैसे माननीय काशीराम साहब लोग तैयार करते थे, कैडर तैयार करते थे। पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी आदमी को तुम तैयार नहीं करेंगे, जब तक बताओगे नहीं कि लड़ाई क्या है हमारी, हमें समाज में करना क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का उद्देश्य क्या है, हमें लड़ाई किस चीज़ से लड़नी है, जब तक किसी व्यक्ति को यही नहीं पता लड़ेगा कि लड़ाई किस चीज़ से लड़नी है, तो फिर वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। इसलिए हमारी गुजारिश थी सब लोगों से कि आप एक प्लेटफॉर्म पाए, नीली क्रांति आज एक प्लेटफॉर्म बना है जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और बाखूबी से पूरे देश के अंदर काम करेगी और सभी लोगों को इकट्ठा करेगी। जैसे दिल्ली की हमने टीम बना दी है, राहुल जी ने जैसे उसको पहले आपको लोगों को बता दिया, दिल्ली की टीम बन चुकी है। हम महिलाओं का भागीदारी होगी इसमें, नौजवानों की भागीदारी होगी, सब लोगों की भागीदारी होगी इसमें, सारे प्रवक्ता बताए जाएंगे, सब लोग चीज बताया जाएगा। और साथियों, इसमें एक मेन और बात है कि जो नौजवान साथी है उनको सही रास्ता भी दिखाना हमारा काम है। क्योंकि आज हो क्या रहा है, आज हो ये रहा है कि जो नौजवान साथी है जिनके अंदर एनर्जी है, उन पर या तो फर्जी केस लगाए जा रहे हैं या फिर वो किसी कारण से केसों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। एक बार आदमी जेल में चला जाता है तो फिर सारी नौकरी भी नहीं लग पाती और बहुत पूरा उसका जो भविष्य वो खराब हो जाता है। हम लोगों को तैयार करेंगे कि आपको आंदोलन कैसे करना, आंदोलन करने का भी तरीका होता है, अपनी आवाज़ उठाने का भी तरीका होता है। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप 2 अप्रैल का काम देखिए, 2 अप्रैल में हमारे 13 शहीद हुए, 13 बच्चे शहीद हुए और लाखों लोग जेलों में गए। आज तक उनके मुकदमे भी चल रहे हैं। वो सारे लोग, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई और ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था, उस सारे लोगों का जो भविष्य है वो खराब हो चुका है। ऐसे ही अब देखने में आया है कि एक आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए बहुत सारे लोग जेलों में जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, सरकार से कैसे लड़ा जाए, सिस्टम से कैसे लड़ा जाए और अपनी बात को कैसे रखा जाए। नीली क्रांति पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को ले जाने के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि नीली क्रांति इसका नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि जैसे आसमान है, आसमान के नीचे सब समान है, सब इक्वल है, वैसे नीली क्रांति पूरे देश के अंदर सोशल रूप से इक्वलिटी लाना चाहती है। जो समाज में इक्वलिटी नहीं है, जो समाज में समता नहीं है, आज भी आप समाज में जाएं तो बहुत ऊंच नीच है। और जैसे एक खेत होता है, खेत ऊंचा नीचा होता है तो अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है, वैसे ही समाज में जब तक ऊंच नीच रहेगी अच्छा समाज नहीं बन सकता, और अच्छा समाज नहीं बन सकता तो अच्छा देश नहीं बन सकता। हम एक अच्छा देश बनाने के लिए पहल कर रहे हैं और उसमें हमारे जो साथी हैं वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे हमेशा से करता है। और हम पूरे नौजवान साथियों से, मैं आपके माध्यम से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस जो प्लेटफार्म है नीली क्रांति, इससे जुड़ें। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई अपने आप से जोड़ने की बात नहीं कर रहा। हमारी पूरी टीम है, उन्होंने कई नियम बनाए हैं कि हमसे ना जुड़ें, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से जुड़ें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जरूरी है। आदमी तो आता है चला जाता है, आदमी बिक सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपने देखा, अभी पास्ट में भी देखा है कि वो जो कसम खाते थे कि हम समाज को परिवर्तन करेंगे, आज वो भी अपने आप को परिवर्तन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीति के चक्कर में लगे हुए हैं। राजनीति एक है, राजनीति से बदलाव आएगा देश में, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, सामाजिक बदलाव की बहुत जरूरत है। अगर सामाजिक बदलाव की जरूरत नहीं होती तो फिर शायद और जो लोग हैं जो लगे हुए हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ते। अगर ऐसे वो देखा है कि वो लोग बहुत, समाज उनका बहुत आगे है, मगर फिर भी आरएसएस जैसे संगठन और अच्छे अच्छे संगठन सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। हमारे लोग 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर राजनीति में उनको बनना है, उनको या तो एमएलए बनना है या एमपी बनना है, वो बनो, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पूर्व साथियों ने बताया कि राजनीति में जाना भी ज़रूरी है, मगर राजनीति से कम समाज को तैयार तो कर पाओ, जिन पर वो शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध लड़ तो सकें, कम से कम वो अपनी आवाज़ तो उठा सकें। ऐसा एक हम दल तैयार कर रहे हैं, ऐसी एक क्रांति तैयार कर रहे हैं, और मुझे आशा है, मेरे साथियों को आशा है कि इस देश के अंदर नीली क्रांति आएगी, समता, मैत्री, भाईचारा बनेगा इस देश के अंदर, संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और हम पूरे देश के अंदर संविधान को लागू कराना चाहते हैं। मेरा मानना है और हमारे संगठन का मानना है कि इस देश के अंदर अगर संविधान लागू हो जाए, पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए, तो यहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। समस्या इसीलिए है इस देश के अंदर क्योंकि संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, गरीब इसलिए हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे इसलिए सोते हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, अत्याचार है तो क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, अत्याचार के खिलाफ सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर
प्रॉब्लम आ रही है, संविधान को पूरी तरह से सेफ गार्ड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और नौजवानों को सही डायरेक्शन देने के लिए काम करेगी, और हमारा उम्मीद है कि सब लोग हमसे जुड़ेंगे। यही आज का विषय था लगने के लिए। और